आज हम बनाएंगे लौकी और चने की दाल की सब्जी। आज इसे मैंने जिस तरीके से बनाकर बताया है, इसका टेस्ट एकदम अलग सा और बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए आधा कप चने की दाल को 3-4 बार पानी बदलते हुए धो लेंगे और इसे 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगा देंगे। और अब यहाँ पर यह अच्छी तरह से भीग चुका है, इसे नाखून से काटो तो इस तरह से आसानी से कट जा रहा है। अब इससे पानी अलग कर देते हैं। अगर आपके पास इसे भिगाने का ज़्यादा टाइम ना हो तो इसे गर्म पानी में भिगा दें। ऐसा करने से ये चने की दाल जल्दी भीग जाती है। एक लौकी का टुकड़ा ले लिया है, वजन में ये 500 ग्राम है। इसे छील लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके किनारे को काट लिया है, अब छील लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। और अब मैंने इसे छील लिया है तो काट लेते हैं। मैंने इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है क्योंकि आज इस सब्जी को हम कुकर में बनाएंगे, तो ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटने से लौकी गलकर सब्जी में मिक्स हो जाएगी और अलग से इसका टेस्ट नहीं आ पाएगा। और अब यहाँ पर मैंने सारी लौकी को काट कर तैयार कर लिया है। इसे इसी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटना है। यहाँ पर मैंने कुछ और भी तैयारियाँ कर ली हैं, 12 से 15 करी पत्ता। इसकी जगह पर आप तेज पत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर ले लिया है। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। 1 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट कर ले लिया है। 2 मीडियम साइज का टमाटर, इसे हम बाद में काट कर ऐड कर लेंगे। आइए अब सब्जी बना लेते हैं। इसे मैंने आज कुकर में बनाया है, कुकर गर्म हो चुका है। इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल मैंने डाल दिया है। सरसों तेल में ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे ताकि सब्जी में इसके कच्चेपन का टेस्ट ना आए। और अब ये धुआं उठने तक गर्म हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करके ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि बघार की सामग्री ना जले। और अब थोड़ी देर के बाद ऑयल थोड़ा ठंडा हो चुका है, फ्लेम को लो पर ऑन कर लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं, चटकने देंगे। करी पत्ता और हींग भी डाल देते हैं, एक बार चला देंगे। हरी मिर्च और कटे हुए प्याज भी डालकर भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे हम प्याज के लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे 1 लाइक जरूर कर दें। और अब थोड़ी देर तक भूनने के बाद प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, तो इस स्टेज पर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। कुछ सेकेंड्स तक भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। और अब इसे मैंने कुछ सेकेंड्स तक भून लिया है, तो अब इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देते हैं। इसे ऐड करने से सब्जी का कलर एकदम बढ़िया लाल निकल कर आएगा। इसे ऐड करना ऑप्शनल है। इसे हमें मसालों के अच्छी तरह से भूनकर ऑयल सेपरेट होने तक भून लेना है। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो भी जरूर कर लें। और अब कुछ सेकेंड्स तक भूनने के बाद ही मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, इनसे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो अब इसमें भिगाई हुई चने की दाल डाल देते हैं, मसालों के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। इसी स्टेज पर इसमें मैंने हल्का सा पानी भी डाल दिया है ताकि मसाले ना जलें। अब इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे, स्वादानुसार नमक भी इसी स्टेज पर डाल देते हैं। इस स्टेज पर नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। अब ढककर इसे टमाटर के अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो ढक्कन को फिक्स नहीं बंद करना है, बस रख ही देंगे। और अब थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। चलाकर देख लेंगे, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें कटी हुई लौकी भी डाल देते हैं, मिक्स करते हुए चला देंगे। इसे हम मसालों और चने की दाल के साथ ही 2-3 मिनट तक भून लेंगे। आप इस रेसिपी को कहां से यानी कि कौन सी जगह से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।
मुझे ये जानकर खुशी होती है कि आप मेरे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। और अब 2-3 मिनट तक भुनने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। मिक्स करते हुए चला देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डालकर एक बार फिर से मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे मीडियम फ्लेम पर 4-5 सीटी लगा देंगे। और अब 5 सीटी लगने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। कुकर का प्रेशर खत्म होने देंगे। और अब कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है, ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, चलाकर देख लेंगे। अभी ये आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, पर जैसे जैसे ये ठंडी होती है गाढ़ी भी होती जाती है। दाल को चेक कर लेते हैं, यह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और बड़े टुकड़ों में होने की वजह से लौकी भी साबुत दिख रही है। अब लास्ट में इसमें बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां भी डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतनी सब्जी आप घर के 5 से 6 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। इसे आप इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो, पर इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए अब लास्ट में इसमें देशी घी का एक बढ़िया सा तड़का लगा देंगे। इस तड़के की वजह से सब्जी का टेस्ट एकदम बढ़िया और अलग सा निकल कर आता है। देशी घी के तड़के के लिए मैंने 1/2 टीस्पून जीरा, 5-6 करी पत्ता, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और 5-6 लहसुन को काट कर ले लिया है। तड़का पैन गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें 2 टीस्पून देशी घी डाल देते हैं। और अब जैसे ही घी गर्म हुआ है जीरा डाल देंगे, कटे हुए लहसुन और करी पत्ता भी डालकर भून लेते हैं। और अब लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। घी गर्म है तो लहसुन की कुकिंग होती रहेगी। 1 पिंच हींग भी डाल देंगे। इस स्टेज पर आप देख सकते हो लहसुन अच्छी तरह से पक चुका है और अब घी भी कुछ ठंडा हो चुका है। तो लास्ट में इसमें कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालकर एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। इन दोनों ही चीज़ों को ज़्यादा गर्म घी या तेल में ना ऐड करें, वरना ये जल जाएंगे। अब दाल में तड़का लगा देते हैं और अब तुरंत ही इसे मैंने ढक दिया है ताकि तड़के की सारी खुशबू और स्वाद सब्जी में अच्छी तरह से आ जाए। और अब 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चला देंगे। हमारी सब्जी तैयार है, इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी या राइस के साथ सर्व करें। आप भी इस तरह से एक बार लौकी और चने की दाल की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।